तो व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम एक इंडियन रोस्टर को रोस्ट करेंगे जिसके चैनल का नाम है टी ब्रो ऑफिशियल। तो गाइस मुझे इस रोस्टर से कोई मसला नहीं, बस एक इससे प्रॉब्लम है मुझे कि इसकी 40 वीडियोज़ हैं जिसमें से 25 वीडियोज़ में ये सिर्फ पाकिस्तान को रोस्ट करा है। भाई तू रोस्ट कर, एंटरटेनमेंट कर, नेगेटिविटी तो ना फैला इतनी। पाकिस्तान वो देश है जहां इंसान दो तरह से ही अच्छे पैसे कमा सकता है, एक तो इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हुए पॉलिटिशियन बनकर, और एक पॉलिटिशियन बनकर अरे माँ चुदा पढ़ने का। इंडिया की इंडिया का होना बहुत जरूरी है। अब यूट्यूब पर ही देख लो, पाकिस्तान के तमाम रिएक्शन चैनल इंडिया की तारीफ करते नजर आते हैं, और करे भी क्यों ना, उनके व्यूज और रुपए सब कुछ इंडिया के लोगों की वजह से ही तो आ रहे हैं। और भाई बोल तू ऐसे रहा जैसे इंडियन रिएक्शन चैनल है ही नहीं। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा रिएक्शन चैनल्स हैं, और वो पाकिस्तान से ज्यादा इस रिएक्शन से बनाते हैं। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर तक दिन रात इंडिया का गुणगान करता नजर आता है। लेकिन एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो क्रिकेट में अपना करियर खत्म होने के बाद राजनीति में हाथ पैर मारता नजर आ रहा है, और वो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी। अब जो लोग शाहिद अफरीदी को जानते हैं उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि शाहिद अफरीदी वो बंदा है जो साल 2000 में सिंगापुर ट्राई सीरीज से ठीक एक दिन पहले होटल में लड़कियों के साथ पकड़ा गया था, जिसकी वजह से पीसीबी ने अफरीदी को केन्या में होने वाले आईसीसी नॉकआउट कप से बाहर कर दिया था और 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। देख मेरे भाई, गूगल पे मुझे ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया तू दिखा रहा। मेरे ख्याल से तुम्हारे अपने घर की लड़की होगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा बेहतर पता है। और अगर पकड़ा भी गया लड़की के साथ तो तुझे क्या तकलीफ है, तेरी फुफो लगती है वो। उस समय अफरीदी की उम्र मात्र 20 वर्ष थी, और जब अफरीदी के परिवार में पता चला तो अफरीदी का निकाह उसी की ममेरी बहन नादिया से करा दिया गया। और इस समय अफरीदी की 5 बेटियां हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अफरीदी महिला क्रिकेट टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब अफरीदी को क्रिकेट खेलने में इतना इंटरेस्ट क्यों आया वो भी बताता हूँ, क्योंकि भाई अफरीदी खुद 11 भाई बहन थे। कितने भाई बहन है दादा? हम लोग माशाल्लाह से 6 भाई और 5 बहन है। हाँ तो उसको घर क्यों बोलते हैं, उसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? भाई ये वो बंदा है जो ग्राउंड पर कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाया, 398 ओडीआई में मात्र 6 शतक ही लगा पाया, लेकिन मैदान में बॉल के साथ छेड़छाड़ करने में हमेशा आगे रहता था। ये वो बंदा है जो कल तक कहता था, इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। और पाकिस्तान का पीएम बनने का सपना आंखों में लिए अब कहता है, मोदी के दिलो दिमाग में है, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। देख मेरे भाई, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होती है और क्रिकेट अपनी जगह पे होती है। उसने ये कहा कि लोगों से प्यार मिला, उसने ये नहीं कहा तुम्हारे नरेंद्र मोदी से प्यार मिला इतना। और अगर उसके 6 भाई हैं भी से तो तुझे क्या तकलीफ है, तूने क्या अपनी बहन के रिश्ते कराने हैं? और जहाँ तक बात रही लोगों की, तो लोगों से वाकई में बहुत प्यार मिला है, खुद ही देख लो। क्रिकेट का तो पता नहीं, बट शायद अफरीदी का मौसम, शायद अफरीदी का मौसम। ब्रेकिंग न्यूज, शर्म नहीं आती तेनू? तू पाकिस्तान है सब, तू चिकने मुंडे नु लाइव मैचेस पर पोस्ट करन दी बेशर्मा, अल्लाह तेनू वरक करे। आई रिमेंबर क्रिकेट तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलते ही है, यू नो आई लव द वे ही जस्ट फ्लॉलेसली प्लेज हिज मैच एंड बट आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्रिकेट। जो मर्जी कर लो जहीन खाना, हम अपने बच्चे का शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देगा। हाँ हमारे साथ करना तो कर लो, हमको कोई टेंशन नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या कह रही है। ये सारे पठान हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब जगह से हैं, और ये मेरे लिए भी चीयर कर रहे हैं। तो यू सी आई थिंक द हेट्रेड इज आई डोंट नो आई थिंक पॉलिटिकली क्रिएटेड, बट द हार्ट्स ऑफ द पीपल हैव सो मच लव फॉर ईच अदर, इंडियंस हैव सो मच लव फॉर द पाकिस्तानी, पाकिस्तानी हैव सो मच लव फॉर इंडिया। आई जस्ट होप दैट यू नो व्हाटएवर लिटिल बिट ऑफ एनिमोसिटी हैज बीन क्रिएटेड और हैज बीन डिपिक्टेड इट गेट्स रिजॉल्व्ड सो दैट यू नो बोथ द कंट्रीज। देखो जरीन खाना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई एम सो हैप्पी फ्रॉम यू।
लेके वो सियासत कर रहे हैं। बाहर है भोसड़ी वालों, कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अच्छे से जुल्म कर रहा है वो आदमी। अब भाई इन झोपड़ी वालों को कश्मीर तो दिखता है लेकिन सिंध बलूचिस्तान नहीं दिखता। वहाँ के लोगों पर ये पाकिस्तानी किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, और तो और पाकिस्तान का जीजा चीन जो वीगर मुस्लिम के साथ अत्याचार कर रहा है इस पे एक शब्द नहीं बोलते। ये दिख गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। डरपोक आदमी, पाकिस्तान द्वारा उड़े आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कराने वाला डरपोक आदमी, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कराने वाला डरपोक आदमी। यार तुम क्या पाकिस्तान को पागल समझते हैं? इसी बंदे का तुम स्ट्राइक का बात करा था ना, इसी ने स्ट्राइक कर दिया। अगर पाक आर्मी न आती तो हमने इसका एक हड्डी हड्डी तोड़ देना था। हिंदू लड़की मुसलमान हो गई है, तुमको की रिहायशी प्रिया का इस्लामी नाम आयशा रखा गया है। ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे हजारों आतंकवादियों को पनाह देने वाली कौम अमन पसंद कौम। अगर जब ये अमन पसंद कौम है तो मियां खलीफा विश्व की इकलौती वर्जिन औरत है और दीपक दलाल असली मर्द। हद है बहनचोद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पाकिस्तानियों को औकात दिखाने की। Am I supposed to tell you this, Mijan? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. आ जाते हैं मुंह उठा के और टी चाय पी के चले जाते हैं, अगर से कहते हैं द टी इज फैंटेस्टिक मेजर, द टी इज फैंटेस्टिक। और भाई एयर स्ट्राइक तो बहुत बोर आ था, ये भी पता हुआ क्या था फिर? अब इस चूतिये को कोई बताए कि अभिनंदन को छोड़ा नहीं था, इन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। नहीं तुम्हारे मोदी ने क्या इमरान खान को अपनी बहन का रिश्ता देना था जो इसको हमें छोड़ना पड़ा, ये तो बता जरा। एम भी बस लगा भाई, छोड़ना पड़ा। और तुम्हारा कमांडर खुद कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने अच्छा सलूक किया मेरे साथ, मुझे चाय वाय पिलाई, मुझे बहुत अच्छा हुआ और इंडिया को इससे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने तो नेगेटिविटी पिलानी है, हमने तो दो मुल्कों के दरमियान फसाद मचाना है, हमारा भाई यही काम है। ये इन जैसे लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं होते, फसाद क्रिएटर होते हैं। अब मुझे नहीं पता बहुत सारे यूट्यूबर एक दूसरों के मुल्क वालों को इतना रोस्ट क्यों करते हैं, यूट्यूब को चाहिए इन कंटेंट क्रिएटर्स को भी बैन करे। तो खैर गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और यार मुझे इंडिया वालों से कोई हेट नहीं है, ठीक है, मुझे ये बस कंटेंट क्रिएटर नहीं अच्छा लगा क्योंकि ये इतना हेट फैला रहा है। इंडिया वाले भी अपने भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, आप हमारे साथ प्यार से बात करेंगे, हम आपसे डबल प्यार से बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अल्लाह हाफिज़। I used to believe we were born on the edge of something too beautiful, something too beautiful. Selling our dreams, smoking and mirror, keep us waiting on a miracle. Say go through darkest of days, having heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hill of rain, driving the edge of knife, never.